एजेंसी में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट अरसलान की तदफीन आज की जाएगी। शहीद का जस्तेहाकी उनके आबाई गांव न्यू मरी पहुंचा दिया गया। शहीद को फौजी एजाज के साथ सपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। शहीद के वालिद हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी के साथ इस वक्त मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनके क्या जज्बात हैं। जी अवैस। बिल्कुल, अरसलान सत्ती शहीद के वालिद साहब के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी तादाद है यहाँ पर NA50 की, जो यहाँ पर सियासी समाजी शख्सियात यहाँ पर पहुंच रही हैं। जस्ते खाकी अरसलान सत्ती का भी यहाँ पर पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ देर बाद जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि अरसलान सत्ती साहब के वालिद से हम बात कर सकें, क्योंकि इनकी हालत तो इस वक्त बहुत ही जो है नाजुक है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे। सर, अरसलान सत्ती शहीद पर जितने भी जो ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, NA50 और पूरी कौम को फख्र है, क्या कहना चाहेंगे? शहीद पर सबको फख्र होता है, उसकी ख्वाहिश थी शहादत की, हमें भी फख्र है, हमारा बेटा उसकी ख्वाहिश पूरी हुई, शहीद हो गया हमारी को अपनी अपनी जगह। दिलेर आदमी था, उसने बाकियों को बचाया और खुद शहादत नसीब। बिल्कुल जी, यही सूरत हाल है। और इस वक्त मैं बताता चलूं कि तमाम जितने भी जो सियासी समाजी शख्सियात यहाँ पर पहुँच रही हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। अरसलान सत्ती के घर इस वक्त बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर पहुँच रही है, और हर किसी कोशिश है कि नमाज जनाजा से पहले यहाँ पर पहुँच सके। ठीक है।